नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी से कन्वेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ चार दुष्यंत और शकुंतला पाठ से संबंधित मौखिक कौशल और लिखित कौशल करवाया था। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य नोट कर लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को इसी पाठ से संबंधित भाषा कौशल कराने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग देखें, पहला है आपका नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग बनाओ। पहले बच्चों आप लोग यह जानकारी कर लें कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जो स्त्री का बोध करता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे और जो पुरुष यानी नर का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहेंगे। तो आपके कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें आपको पुल्लिंग बनाना है। जैसे आपका पहला है पहला लड़की, दूसरा सखी, तीसरा पुत्री, चौथा रानी, पांचवा मछुआरी और छठवा माता। यही आपके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोगों को पुल्लिंग बनाना है। तो बच्चों आप लोग देखें, पहला है आपका लड़की, तो लड़की का पुल्लिंग हो जाएगा लड़का। तो यहाँ आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे लड़का, ये आपका पुल्लिंग हो गया लड़का। इसी तरह से ये सखी है, तो सखी का हो जाएगा पुल्लिंग सखा। इसमें आप लोग पुल्लिंग में सखा लिख देंगे। और इसके बाद तीसरा है पुत्री, तो पुत्री का पुल्लिंग में लिखेंगे पुत्र। और चौथा है रानी, तो रानी का आप लोग लिखिएगा राजा, पुल्लिंग में आप लोग रानी का राजा लिखिएगा। और इस तरह से पांचवा है आपका मछुआरिन, तो ये हो जाएगा मछुआरा। ये आपका हो जाएगा मछुआरा। इसके बाद छठवा नंबर है माता, तो माता का पुल्लिंग हो जाएगा पिता। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देखें कि अभी आप लोगों को बताया गया कि जो मादा का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं और जो नर का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ वाक्य दिए गए हैं जो स्त्रीलिंग है और इन्हीं स्त्रीलिंग को आपको पुल्लिंग के रूप में परिवर्तित करना है, लिखना है। तो इसमें आपका पहला है, आप लोग देख रहे हैं कि पहला है लड़की, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा लड़का। और दूसरा है सखी, तो पुल्लिंग में सखा हो जाएगा। तीसरा है पुत्री, तो इसका पुल्लिंग पुत्र हो जाएगा। चौथा है रानी, तो रानी का पुल्लिंग राजा। और पांचवा है मछुआरी, तो मछुआरी का पुल्लिंग मछुआरा। और छठवा है माता, तो माता का पुल्लिंग पिता हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये आपके भाषा कौशल का क नंबर समाप्त हुआ। अब ख नंबर देखें, समझो और शब्दों को जोड़कर लिखो, यानी कुछ शब्द आपके दिए गए हैं उनको जोड़ करके वाक्य बना देना है, लिखना है। जैसे आपका पहला है उदासी धन ई, उदास धन ई। दूसरा क्रोध धन ई। तीसरा है हाथ धन ई। चौथा जाल धन ई। और पांचवा है दुख धन ई। छठवा झूठ धन ई। सातवा साथ धन ई। और आठवा रथ धन ई। यही आपके शब्द दिए गए हैं और इनको जोड़ करके वाक्य बनाना है। तो देखो बच्चों, पहला है उदास धन ई,
तो इसको आप लोग नए शब्द के रूप में लिखेंगे उदासी। क्या लिखेंगे? उदासी। उदास प्लस ई उदासी, उसी तरह से क्रोध प्लस ई क्रोधी। ये आपका हो जाएगा क्रोधी। तीसरा है हाथ प्लस ई हाथी। और चौथा है जाल प्लस ई जाली। पांचवा दुख प्लस ई दुखी। छठवा है झूठ प्लस ई झूठी। और सातवा साथ प्लस ई यानी बड़ी ई तो साथी। और लास्ट है आठवा नंबर रथ प्लस बड़ी ई, तो ये हो जाएगा रथी। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि समझो और शब्दों को जोड़कर लिखो। उसमें पहला आपका उदास प्लस बड़ी ई, तो उसका जोड़ करके आपने शब्द क्या बनाया? उदासी। उदास प्लस बड़ी ई का उदासी, क्रोध प्लस बड़ी ई का क्रोधी, इस तरह से हाथ प्लस ई का हाथी, और जाल प्लस बड़ी ई का जाली। पांचवा है दुख प्लस बड़ी ई का दुखी। और छठवा झूठ प्लस ई का झूठी। सातवा साथ प्लस ई साथी। और आठवा रथ प्लस ई रथी। तो इस तरह से बच्चों ये आप लोगों का भाषा कौशल का क और ख ये दोनों समाप्त हुए। अब आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में से अवश्य नोट कर लीजिएगा और साथ ही मौखिक और लिखित कौशल के प्रश्नों का उत्तर अवश्य याद कीजिएगा और एक पेज और नकल अवश्य लिखिएगा। ये सभी चीज़ें आपकी विद्यालय खुलने के बाद देखी जाएगी। आज इतना ही रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अगले दिन बतलाऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।